क्या आपको पता है जोगेंद्रनाथ मंडल ने 1920 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाद में वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मंडल ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया और उनका मानना यह था कि दलित जातियों को पाकिस्तान बनने से लाभ होगा। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद मंडल पाकिस्तान के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वह देश के पहले कानून और श्रम मंत्री थे। हालांकि जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान में हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह से निराश थे और बाद में भारत चले आए। भारत में वापसी के बाद जोगेंद्रनाथ मंडल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वह 1952 और 1957 में लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 1957 से लेकर 1962 तक पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया।